नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम इसरो के बारे में बात करेंगे। इसरो को कौन नहीं जानता, जो सारे सैटेलाइट जाते हैं आसमान में वो इसरो के जरिए ही जाते हैं, श्रीहरिकोटा से जाते हैं। आज की इस वीडियो पर बात करेंगे कि जो श्रीहरिकोटा है वो किस तरीके से कहाँ पर स्थित है, और साथ ही हम बात करेंगे कि कैसा साइट सेलेक्शन किया जाता है कि सैटेलाइट को भेजा जा सके वहाँ से, क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशन होते हैं, और साथ ही मेरे द्वारा शेयर किए गए उस पर्टिकुलर एरिया के कुछ वीडियो हैं वो भी हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये श्रीहरिकोटा है आपका जो कोलकाता चेन्नई रेल रूट है वहाँ, उसमें एक स्टेशन है, उतना बड़ा स्टेशन तो है नहीं, चेन्नई के पास है, उसका नाम है सुलूरपेटा। वहाँ से 20 किलोमीटर दूर है श्रीहरिकोटा। जब सुलूरपेटा से आप जब श्रीहरिकोटा जाते हैं तो बहुत सुंदर नज़ारे के साथ आप जाते हैं। बहुत सारे बाहर से पक्षियाँ आती हैं, वो भी आपको नज़ारा दिखता है, और साथ ही बहुत ज़्यादा जो डिस्टेंस आप ट्रैवल करते हैं वो एक पुलिकट लेक में करते हैं, मतलब आसपास जो समुद्र का बैक वाटर है वो अगल बगल चलता है और बीच में हाईवे चलता है। और साथ ही जब आप श्रीहरिकोटा पहुँचते हैं तो वो समुद्र के किनारे हैं, मतलब वे ऑफ बंगाल, आपकी बंगाल की खाड़ी में वो स्थित है। तो जो आपका, जैसा कि आप वीडियो पर भी देखता पा रहे हैं कि इस टाइप से आपका एक माहौल रहता है रूट का सुलूरपेटा से पहले का। अब हम बात करेंगे कि साइट सिलेक्शन कैसा चूज़ किया जाता है इस पर्टिकुलर जो लॉन्चिंग के समय। देखिए, कोई भी सैटेलाइट जब ऊपर जा रहा है तो उसके लिए ज़रूरत पड़ती है बहुत सारे ईंधन की, बहुत सारे एनर्जी की, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपका डस्ट होने वाला है, गैस होने वाली है। साथ ही एक और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अगर मान लीजिए कुछ गड़बड़ हो जाती है और उसको डिस्ट्रॉय वहीं पर वो हो जाता है तो सोचिए जान माल का कितना नुकसान होगा। तो ऐसा अरेंजमेंट किया जाता है कि समुद्र के किनारे उसे लॉन्च किया जाता है और पृथ्वी के रोटेशनल का भी ख्याल रखते हैं, और अगर कुछ गड़बड़ भी हुई तो वो समुद्र किनारे जाके गिर जाए। और आसपास का एरिया भी काफ़ी लंबा, जो आपका डिस्टेंस होता है उस पर्टिकुलर सैटेलाइट से उसे भी रखा जाता है 5 से 6 किलोमीटर का। कहने का मतलब जो कंट्रोल भी होता है वो 5 से 6 किलोमीटर में होता है। उसी तरीके से जो पटरियां होती है उस पर आपका लॉन्चिंग पैड को ले जाया जाता है, जिसकी विड्थ काफ़ी ज़्यादा होती है, और सॉलिड फ्यूल का यूज़ किया जाता है ताकि इंस्टेंट एनर्जी उसको मिल सके। तो ये एक तरीका होता है मतलब आपका लॉन्च करने का। और साथ ही जो समुद्र होता है उसके 50 से 60 किलोमीटर तक कोई आ नहीं सकता। इंडियन नेवी वॉच करती रहती है कंटिन्यू, और रडार से भी पता चलता रहता है कि कौन एंट्री ले रहा है। मतलब कुल मिला के वो रेस्ट्रिक्टेड एरिया रहता है 50 से 60 किलोमीटर का, मतलब ना तो आप उसके तट पे जा सकते हो और ना तो आप समुद्र में अंदर स्टीमर के जरिए या किसी और जरिए से जा सकते हो। तो इस तरीके से इतनी सेफ्टी प्रदान की जाती है। आई होप दोस्तों मेरे द्वारा शेयर किया गया जो वीडियो वहाँ का 2011 का वो भी आपको अच्छा लगा होगा और ये जानकारी भी आपको पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।